विग्नन यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1997 में 43 एकड़ के लैंड एरिया में किया गया था, जहां से गुंटूर सिटी 15 किलोमीटर और तेनाली सिटी 11 किलोमीटर दूर है और इस कॉलेज का एंट्रेंस गेट भी गुंटूर तेनाली हाईवे पर स्थित है। NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2020 के अनुसार यह कॉलेज 118 पोजीशन पर आती है और लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स इस कॉलेज से डिफरेंट प्रोग्राम्स परस्यू कर रहे हैं। तो चलिए अब डिटेल्ड एनालिसिस की ओर मूव करते हैं। विग्नन यूनिवर्सिटी अमरावती से सबसे करीब रेलवे स्टेशन है गुंटूर रेलवे स्टेशन, जो लगभग 17 किलोमीटर दूर है, और विजयवाड़ा एयरपोर्ट सबसे सामने एयरपोर्ट है, जो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के रिव्यू में हम लोग इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल एंड मेस, कुछ कैचिंग पॉइंट्स के साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आप इस कॉलेज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं, पहला VSAT एंट्रेंस के थ्रू, जो इस कॉलेज का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, और दूसरा आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं, पहला अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के मेरिट बेस्ड, और दूसरा आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर स्क्रीन पर आप पहले विग्नन यूनिवर्सिटी के सभी बीटेक के कोर्सेज और बीएससी एग्रीकल्चर के फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इन कोर्सेज की फीस 1 लाख पर एनम से 3.6 लाख पर एनम के बीच में लाई करती है। लास्ट में आप बीबीए, बीसीए, माय इंग्लिश, एमएससी केमिस्ट्री, एमसीए, एमबीए, एमटेक और पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट की बारी। पहले NIRF रिपोर्ट 2020 के अनुसार, जो रिपोर्ट कॉलेज के द्वारा NIRF को सौंपी जाती है, इस कॉलेज में 2019 में लगभग 978 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे बीटेक और एमटेक में, और मीडियन सैलरी पैकेज 2019 में बीटेक वालों के लिए 4.2 लाख पर एनम और एमटेक वालों के लिए 4.4 लाख पर एनम गई थी। स्क्रीन पर आप 2018 की मीडियन सैलरी पैकेज को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। लास्ट में आप कुछ टॉप रिक्रूटर्स की लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इसी वर्ष इसके कैंपस को विजिट करने आए थे। हॉस्टल एंड मेस, इस कॉलेज के पास 1500 से ज्यादा बॉयज और 1300 से ज्यादा गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। हॉस्टल के अंदर बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, साथ ही साथ जिम की भी फैसिलिटीज हॉस्टल्स में उपलब्ध है। मेस फूड की अच्छी खासी क्वालिटी आपको यहां मिल जाती है। लास्ट में आप स्क्रीन पर हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप हॉस्टल फीस को सेमेस्टर वाइज भी जमा कर सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पहला, इस कॉलेज की रैंकिंग NIRF इंजीनियरिंग 2020 के अनुसार 118 पोजीशन पर आती है। दूसरा, यहां पर आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा, इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स एवरेज है। चौथा, इस कॉलेज के पास एक अच्छा कैंपस है, जहां आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे, और साथ ही साथ यह कॉलेज गुंटूर और तेनाली सिटी से भी वेल कनेक्टेड है। और कौन कौन से कॉलेज रिव्यूज को आप देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।